कल शाम में रिजल्ट आ गया है और मेरे को भनक नहीं है। वैसे भनक नहीं है, कल शाम में जल्दी ही सो गया था। और ज़्यादा इतना कुछ बेसब्री से इंतज़ार भी नहीं है, 37 मार्क्स पे क्या ही रिजल्ट चेक करने का हो रहेगा। फिर चले तो अभी चेक करने के लिए, टैब खोला तो भाई ऊपर ही दिखाई दे रहा है 13 स्टूडेंट्स के 100% आए हैं। हाँ तो भाई ठीक ही है, पिछले बार फरवरी में तो 100 बच्चे हैं ना 100% वाले, सही है ना। सच में गजब ही किया था उन्होंने यार इस बार। चलो इसीलिए पेपर ठीक ठाक बनाया था। ठीक है अपन चेक कर लेते हैं मेरा क्या स्कोर है 37 मार्क्स पे। आप भी जरा कमेंट में बताना कि आपके कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बने, जरा अंदाजा लगेगा कि भाई इस बार क्या सीन है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। मैं अपना चेक कर रहा हूँ, जरा धैर्य रखेंगे, सुनना है मेरी कमेंट्री को तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हो आगे। और मैं ये इस्तेमाल करूँगा अपने सेव्ड डाटा का। अच्छा डाटा मेरा सेव्ड नहीं है, ओके। सो एप्लीकेशन नंबर विल हैव टू बी एंटर्ड मैनुअली। मेरा एप्लीकेशन नंबर है, अरे यार तुम देखोगे क्या, आँख बंद करो यार अपनी। 2010, अच्छा 210 3108 67 951। यार ये पॉज भी नहीं होती है, होती तो है। गुड ओके 310 8 67 9 65। डेट ऑफ बर्थ यार सब कुछ जान लोगे मेरा तुम आज। इसमें टाइम लग गया यार, सेव डेटा आराम से कितना जल्दी हो गया होता उससे पासवर्ड के साथ। KT1586 प्लीज सेलेक्ट एन एग्जामिनेशन। ओफो मार्च का देखना है मेरे को यार, फरवरी का तो देख चुके हैं अपन। अरे सारा बेकार कर दिया भाई, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है यार, बहुत तेज लग गई, माफी चाहूंगा इसके लिए। आपके पास स्किप करने का ऑप्शन होता है सर्वदा, आप इस्तेमाल करेंगे। उफ उफ सामने आ गया यार, अब नीचे क्लिक करूँ क्या, नीचे क्लिक, अच्छा दिखाई भी दे रहा है क्या। हाँ दिखाई तो दे रहा है, नीचे क्या स्क्रॉल करना है। तो फिजिक्स में बने हैं मेरे 51, केमिस्ट्री में 37, मैथमेटिक्स में 24। हे भगवान यार, तुम लोग प्लीज अच्छे से जान लो यार, मैंने मैथमेटिक्स का सेक्शन ओपन भी नहीं करा था इवन देखने को। बोलते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपने विजिट नहीं करा है वो तो अलग बात है, मैंने सेक्शन को क्या बोले उस पर क्लिक भी नहीं करा है यार, कि कुछ भी देखो उसका इंटरफेस भी कैसा था, फर्स्ट क्वेश्चन भी कैसा था, यानी 0 मार्क्स पे। हाँ 24% बच्चों से आगे हूँ मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, गजब डेटा। ये तो कंक्लूड हुआ भाई। फिजिक्स में मेरे मार्क्स कितने थे, अब जब अगर बना ही रहा हूँ तो अच्छे से एनालाइज ही कर लेते हैं अपन जो उस दिन कैलकुलेट करी थी। हाँ सारा डेटा आप ले लो। फिजिक्स में मेरे सही थे 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 14 मार्क्स थे मेरे पास, 6 सही थे 10 नेगेटिव थे, है ना। तो 14 मार्क्स पे बनी है परसेंटाइल फिजिक्स में 51। केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स थे कितने, 1, अच्छा ठीक है 5 1 6 6 सही थे ठीक है, बस 6 ही सही थे यार। अरे यार एक और सही होना चाहिए। ओहो और गलत कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 गलत और 6 सही थे, बस 6 सही थे यार। तो 19 मार्क्स पे बनी है 67% आई। ये मेरे को कुछ एरर टाइप लग रहा है, क्योंकि मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया है क्या, पहले मेरे कॉपी में कुछ और दिख रहा है। खैर और 0 मार्क्स
मैथमेटिक्स में थे उसको 24% आई बनी है। कुछ भी कहो यार, चेक करने के टाइम में कुछ अलग ही तरह की एनर्जी रहती है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सुधारते हैं, क्या ही कमेंट्री करूँ, नया चीज़ तो है नहीं और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट तो है ही नहीं, और क्या ही वायदे वगैरह करूँ। काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत करने के टाइम में थोड़ा तो अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत करते उठो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग करने में, जैसे आज भी सुबह 7 बजे से पढ़ना शुरू करा तो 1 घंटे तक माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, स्पीड बहुत स्लो थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आदमी इंगेज होते चलता है। तो भाई पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, ओनली रीजन इज काफी, करना है तो बस करना है। और मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, एवरीबॉडी इज होशियार ही है। सो आप प्लीज़ अपना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल नीचे लिखना शिफ्ट के साथ में, ताकि कुछ ज़्यादा अंदाजा लगे, है ना। और ज्ञान तो आप दोगे, मेरे को जानता है, मेरे को पता है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो टू मी, थैंक यू।